सीबीआई को बंद कर दो, ईडी को बंद कर दो, ये बड़े बड़े नाम है इनको अंदर क्यों नहीं करती, ये राजनीतिक लायक नहीं है, इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल ज्वाइन कर, इस्तीफा दे, दिल्ली को अपने इस भ्रम जाल से मुक्त कर। जब मोदी जी सीएम थे, मोदी जी भी ईडी के चक्कर में आए थे, मोदी जी बिल्कुल पाक होकर जब निकले। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, ईडी मोदी चला रहा है, उनको तो एक ही रोना है। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार करते हो, अपने घरों को भरते हो, तब तो नहीं सोचते। केजरीवाल को आज ही रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी उसको। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल से, कुर्सी खाली करो, जनता आती है। किस लिए धरना चल रहा है यहाँ पे आज? आपने देखा होगा, कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति, दिल्ली को भ्रम जाल में फंसा कर सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति, ईडी ने परसों गिरफ्तार की कर लिया और जेल के अंदर है। नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, सीबीआई को बंद कर दो, ईडी को बंद कर दो, ये बड़े बड़े नाम है इनको अंदर क्यों नहीं करती, आज अगर ईडी ने उनको अंदर किया तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस भ्रष्टाचारी ने दिल्ली का लूट लिया है, इसका एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी में लिप्त है। आपने देखा होगा कितने मिनिस्टर इसके का और चलान लगा किसी के ऊपर, इनका संदीप था मिनिस्टर, आपने देखा होगा उसके ऊपर किस तरीके से उसने महिलाओं का शोषण किया। ऐसे लोगों को, ये राजनीतिक लायक नहीं है, इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। सोम भारती इसका एक मिनिस्टर था पहले, उसने अपनी बीबी को पीटा, उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, आज इसकी पूरी कैबिनेट जेल के अंदर है। तो मेरा ये इसको कहना है, केजरीवाल रिजाइन कर, इस्तीफा दे, दिल्ली को अपने इस भ्रम जाल से मुक्त कर, ताकि दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली की तरह चले, एक अच्छे शासन की ओर दिल्ली बढ़े। यही मेरा उसको निवेदन है, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। इस भ्रष्टाचारी को एक मिनट भी गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरीके से ये लोगों को भरमा कर, मीठी मीठी बातें करके, भारतीयता की बातें करके, संस्कृति की बातें करके, संस्कार की बातें करके लोगों को भरमा कर सरकार में आया था, आज इसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतना बड़ा मुकदमा लगा है, इसको अभी रिजाइन करना चाहिए और दिल्ली को इस शासन से मुक्त होकर स्वच्छ शासन मिलना चाहिए। विपक्ष तो कहता है कि ईडी और सीबीआई तो मोदी जी चलाते हैं, उनके इशारे पे चलता है। आज विपक्ष ये कहता है कि ईडी मोदी जी के इशारे पर चलता है। जब मोदी जी सीएम थे, मोदी जी भी ईडी के चक्कर में आए थे, मोदी जी बिल्कुल पाक होकर जब निकले। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और अपना काम वो करती है, इन भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लोगों की खून पसीने की कमाई का एक एक पैसा इन विपक्षियों के जितने भी लुटेरे हैं इनसे निकाला जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा और जनता के काम के लिए उस पैसे को लगाया जाएगा। आज आप देखते हो पूरे देश के अंदर चहुं ओर विकास की ब्यार बह रही है, उसका एक ही कारण है कि ऊपर लेवल पर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और इनके घरों से जो 350 करोड़ रुपए विपक्षियों घर से निकल रहे हैं, उस पैसे को क्षेत्र के काम के लिए लगाया जा रहा है, इसलिए आपको ब्यार नजर आती है। ये सारे चोर चोरों में सेरे भाई विपक्षी इकट्ठे हुए हैं, वो तो कहेंगे ईडी मोदी चला रहा है, ईडी मोदी चला रहा है, उनको तो एक ही रोना है। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार करते हो, अपने घरों को भरते हो, तब तो नहीं सोचते। इन्होंने कहा था, सोचा होगा कि वो भी भ्रष्टाचारी, मैं भी भ्रष्टाचारी, इकट्ठे हो गए हम, मिल जाएंगे, जनता को बेवकूफ बना लेंगे और सरकार में आ जाएंगे। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, आप देखना 2024 में 400 पार मोदी जी ले जाने वाले हैं और 229 में भी बीजेपी रहने वाली है। इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी का शासन चल रहा है, तो ये शासन चलता रहेगा और केजरीवाल को आज ही रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी उसको। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल से, कुर्सी खाली करो, जनता आती है। विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आ रहा है इसीलिए हमारी आवाज दबाई जा रही है, ईडी को हमारे पीछे लगाया जा रहा है, हमें जेल भेजा जा रहा है। ईडी और सीबीआई जो है किसी का, मतलब एक कार्यकर्ता का वो नहीं है, ये संस्था है। संस्था की वजह से जो गलत करेगा, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी से हो, किसी भी दल को नहीं बख्शा जाएगा, ये स्वतंत्र अधिकार है इनका, ऐसा कहना गलत है। विपक्ष क्यों बार बार बोलते हैं कि ईडी सीबीआई मोदी जी के इशारे पे ही चलता है?
ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने वाला है। ये खुद ये कह के आया था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक दल में नहीं आऊंगा, उसके बाद भी आया। बच्चों की कसम खाने के बाद में इन्होंने अपने बंगले पर 60 करोड़ रुपए लगाया इसने। आप बताओ, जनता परेशान है, सीवर समस्या, आप जगह कॉलोनियों में जाके देखिए, आप सीवर की इतनी समस्या है, जगह जगह नालियां भरी पड़ी है, लेकिन इसको शर्म नहीं आता है। कोई भी एक सड़क देखो कॉलोनियों में, कहीं बनी हो तो कहीं बनी नहीं है। ये झूठा वादा करके आया, लोग परेशान है, अगर ये जाएगा कहीं तो इसको जूते मारेंगे लोग। इस तरीके की व्यवस्था हो रही है इसकी। एक बार सर जरा ये दिखा दीजिए, आप दिखाना चाहो, ये देखिए आप, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी केजरीवाल, शर्म करो, ये नारा यहाँ पे लग रहा है कब से ही। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।